बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले के ग्रामीण परिवेश में आज भी लोग पत्थर की सिल पर बटे हुए मसाले और चटनी खाने के शौकीन हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बतलाते हैं कि हर कोई स्वाद के पीछे भागता फिरता है, लेकिन सही मायने में जो स्वाद देसी खाने में है वह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जिस तरह सिलबट्टे पर बटी हुई चटनी या सब्जी के मसाले स्वाद को बढ़ा देते हैं, तो स्वाद आपको किसी फाइव स्टार होटल में नहीं मिलेगा। मैं चटनी का बहुत शौकीन व्यक्ति हूँ। मेरे घर में आज भी चटनी प्रत्येक दिवस पीसी जाती है, लेकिन गृहिणियों की जो सोच होती है कि तात्कालिक रूप से सरलता रूप से मिक्सी में चटनी पीस दी जाती है, लेकिन मैं आज ये प्रयास करता हूँ कि जिस दिन मेरा अवकाश का दिन होता है, मैं आग्रह करता हूँ घर पर कि नहीं, निश्चित रूप से आप सिलबट्टे पर ही चटनी पीसिए। उसका स्वाद एक अलग होता है, उसका उसके स्वाद को कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, स्वाद बेमिसाल होता है। और अभी भी भारतीय संस्कृतियों में ग्रामीण परिवेश में इस तरह के खलबट्टा अभी मौजूद हैं, लेकिन लोग उनका उपयोग करना बंद कम कर चुके हैं, जो नहीं होना चाहिए।